पे दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटरजोन पे, और मैं हूं आपका साथी संजीव स्वामी। तो दोस्तों आज एक्चुअली मेरी गाड़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, वो पहले मैं प्रॉब्लम्स बता देता हूं आपको। वीडियो को एंड तक देखना, बड़ी मस्त मज़ेदार वीडियो होने वाली है। तो पहले मैं अपनी गाड़ी की जो प्रॉब्लम्स है वो बता देता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ कि मैं किस से मिलने जा रहा हूँ, कहाँ से प्रॉब्लम्स सोल्व करवाने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए बताते हैं। देखो सबसे पहला जो पॉइंट है वो तो है इसका क्लच थोड़ी हार्ड है, ठीक है ना। मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए गाड़ी 1,15,000 के आसपास चली है और मैंने जो है 85,000 या 90,000 किलोमीटर पर क्लच जो है वो चेंज करवाई थी। फिर भी जो है क्लच काफ़ी हार्ड हो रखी है, इसकी दोबारा से दिक्कत करने लग गई। दूसरा जो इसका है पिकअप का इशू है। जैसे पिकअप ड्राइविंग वगैरह करते हैं ना, तो पिकअप में बड़ा इशू लगता है। मैंने कई मिस्त्रियों को दिखा दिया, बट इनको जो है इसका पिकअप का कहानी समझ में नहीं आ रही है कि ये तो बोल रहे हैं कि क्लच का इशू है या फिर क्या चीज़ है, सिलेंड्रिकल इशू है या फिर इंजेक्टर का इशू है। जो भी है इसका जो है पिकअप करते हैं ना गाड़ी की, तो उसके अंदर बड़ा दिक्कत करता है। ये ऐसे मतलब जैसे सीएनजी पे पिक कर रहा है ऐसे करता है। दूसरा सीएनजी नहीं लगी हुई, प्योर पेट्रोल के ऊपर चली हुई है। 1,15,000 किलोमीटर के आसपास जितनी भी चली हुई है, ठीक है ना। तो पिकअप का इश्यू है। तीसरा इसके अंदर क्या है, वाइब्रेशन होने लग जाता है। गियर जो है तीसरे गियर में लगाते हैं ना, तो वाइब्रेशन सा होने लग जाता है आजकल, तो वो एक इश्यू है, ठीक है। इसके अलावा कोई इशू नहीं है। हाँ एक इश्यू ये भी है कि एवरेज बहुत कम देता है आजकल जो गाड़ी है ना। जैसे 30-40 किलोमीटर चल रही है ना, तो पूरा तेल ही ख़त्म हो जाता है। मतलब गुड़गांव से, दिल्ली से गुड़गांव आते हैं ना, तो पूरा ही तेल ख़त्म हो जाता है। जैसे ऑफिस आके आए हो रहा है, तो पूरा बड़ा गंदा हाल है, उसका भी एवरेज बड़ी कम देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसलिए जो है आज दोस्तों मैं मिलने जा रहा हूँ मुकेश चंद्र गौड। आपने वीडियो देखी होगी नोएडा भारत से, मुकेश चंद्र गौड, उनके पास जा रहा हूँ। 1 घंटा आपको यहाँ पे देख रहा होगा, मैं फोकस कर देता हूँ एक बार। 1 घंटा 40 मिनट के आसपास लगेंगे, ड्राइव करके जाएंगे और उनसे मिलने का टाइम लिया है, तो उनसे मिलने जाएंगे। देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं। हालांकि उनको पता नहीं है कि मैं कोई यूट्यूबर वगैरह हूँ। साथ में मैं आपको इस वीडियो में एंड में ये भी बताऊँगा कि कैसे उनसे मिल सकते हैं, क्या प्रोसेस है। अगर आप भी उनसे मिलना चाहते हो, अगर आपकी कोई गाड़ी के अंदर दिक्कत वगैरह है, तो आप कैसे सोल्व करवा सकते हो। पहले मैं जाता हूँ, आज विजिट करता हूँ, उनका रिव्यू देखते हैं क्या सीन है क्या है। और बाकी गाड़ी की कंडीशन आप देखते हो, एकदम चकाचक हो रखी है गाड़ी की कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम चलते हैं उनसे मिलने, साथ में मैं दिखाता हूँ। 1 घंटा 40 मिनट के आसपास लगेगा। तो गाड़ी कर ली है मैंने, स्टार्ट और चलते हैं मिलने। और आपको बीच बीच की छोटी छोटी क्लिप्स दिखाता रहूँगा, क्योंकि नोएडा काफ़ी दूर है, ठीक है ना। 50 किलोमीटर के आसपास जो है वो ड्राइव करनी होगी। 50 किलोमीटर अगर किसी लोकल जगह पर या खाली जगह पर ड्राइव करें ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर दिल्ली जैसी सिटी के अंदर 50 किलोमीटर ड्राइव करना मतलब बहुत बड़ी बात है। तो आज जो है हम 50 किलोमीटर ड्राइव करके जाएंगे। साथ में इसका है ना एक और कहानी हो रखी है इसके साथ, वो भी बता देता हूँ मैं। ब्रेक जो है ना वो चिपक गए थे, खड़ी गाड़ी के 10-12 दिन गाड़ी खड़ी थी, तो ब्रेक चिपक गए थे। तो वो भी जो है ना उसके शू लेदर वगैरह, उस दिन तो मैंने टेम्प्रेरी काम करा लिया, तो उसके जो ब्रेक के जो लेदर वगैरह है ना, वो सारे के सारे चेंज करवाने हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी और क्या क्या काम है, सर्विस, इंजन की सर्विस वगैरह ट्राई करता हूँ, इंजन फ्लश करवाने की एक बार, क्योंकि वो भी एक बहुत ज़रूरी है। 1:15 चल गया है, तो इंजन फ्लश भी होना भी ज़रूरी है, काफ़ी टाइम से हुआ नहीं है, तो वो भी कराने की कोशिश करते हैं। बाकी जो चीज़ें होगी वो ट्राई करते हैं। तो अभी चलते हैं एक बार सीधा वहीं पे मिलते हैं, और रास्ते में कोई छोटी मोटी क्लिप्स होगी वो आपको दिखाता रहूँगा। तो चलिए चलते हैं। वीडियो को एंड तक देख लेना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए चलते हैं। एक मज़ेदार बात ये भी है दोस्तों कि अभी तक जो है उनको ये नहीं पता कि हम वीडियो बनाएंगे या फिर वीडियो शूट करेंगे और यूट्यूब पे डालेंगे। तो वो भी अगर वो बनाने देंगे तो भी वहाँ की वीडियो बनाई जाएगी, अदरवाइज़ मैं आपको बता दूंगा कि वीडियो नहीं बनाने दी। दूसरी चीज़ ये कि इसके अंदर एक बैक गियर में भी प्रॉब्लम है। बैक गियर जब लगता है तो प्रॉब्लम होती है। और दोस्तों ये जब काम हो जाएगा अपना, गाड़ी एकदम सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो इसको जो है हम मायापुरी भी लेके जाएंगे। मतलब मायापुरी भी आपको विजिट कराऊंगा। बताते हैं कि दिल्ली का या इंडिया का सबसे सस्ता मार्केट है गाड़ियों का। वहाँ पे क्या है, गाड़ियाँ जैसे पुरानी गाड़ी है और एक्सीडेंटल गाड़ी है, तो वो कटिंग होने के बाद में वहाँ पर आती है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। थोड़ी धूप आ रही है, तो चलते चलते गाड़ी में वीडियो नहीं बनाएंगे। दिल्ली है अभी, तो मैं साइड में था, धीरे धीरे चल रहा था। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। मायापुरी का भी आपको फिर वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे आप जो है मायापुरी हर कोई बंदा जा सकता है। अभी क्या होता है वहाँ पे जैसे मिस्त्री जा सकते हैं, उन्हीं को ज़्यादा पता होता है, हम लोगों को नहीं पता होता। तो अभी जो है वो भी आपको मैं डिटेल बताने वाला हूँ। साथ में फिर एक करोल बाग का भी वीडियो बताएंगे, कुछ चीज़ें लेके आएंगे और वहाँ का भी वीडियो बनाएंगे। तो आप वीडियो को देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं भाई, चलते हैं। तो ये तो अभी जो है रोड है द्वारका की, बड़ी प्यारी रोड लगती है। यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बड़ा मस्त है। बट आगे जब दिल्ली के इस कॉर्नर से नोएडा के उस कॉर्नर तक जाएंगे ना, बड़ा मुश्किल काम है भाई साहब। ये जो 50 किलोमीटर की ड्राइव है ना, देखो मैं क्या है जनरली अवॉइड करता हूँ गुड़गांव से या फिर दिल्ली से नोएडा लेके जाने की, क्योंकि बड़ी दूर हो जाता है। एक तो तेल बहुत फूकती है, मेट्रो से चले जाते हैं। बट आज मैंने कहा चलो गाड़ी से चलते हैं, साथ में ऑफिस का काम भी हो जाएगा। और भैया तो चलिए चलते हैं। देखिए यहाँ पे बड़ा साफ सुथरी जगह होती है ना, और ऐसे जाना, रेड लाइट मिलती जाएगी, वीडियोज बनाते जाएंगे, शूट करते जाएंगे। और साथ में मुकेश भाई के जितने भी रेट वगैरह वो भी पता चल जाएगा, कितना वो गाड़ी का चेकिंग के लिए लेते हैं, क्या पार्ट्स वगैरह चेंज करने के लेते हैं। अगर ज़्यादा कॉस्टली पड़ा ना तो मैं चेंज नहीं कराऊंगा, एक बार चेक करवा के आ जाएंगे कि भाई क्या दिक्कत है, क्या इश्यू है, वो इश्यू बता देंगे। फिर जो है प्राइस बताएंगे कि क्या क्या है, तो उसके हिसाब से होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई वहीं से काम करवाना अगर वो कॉस्टली बात हो, बट बाकी जाके पता चलेगा कि क्या रेट तक वो देते हैं। तो दोस्तों 2 घंटे की ड्राइविंग, रेड लाइट, ट्रैफिक, स्पीड लिमिट, काफ़ी सारी चीज़ों को क्रॉस करते हुए फाइनली जो है मैं पहुंच गया हूं लोकेशन पे, जहां पे मुकेश भाई ने मुझे बताया था कि यहां पे आना है। उसके आसपास ही अभी पहुंचा नहीं हूँ, 6-7 मिनट पड़ी है अभी भी, तो ड्राइविंग हो रही है तो 6-7 मिनट पड़ी है, अभी पहुँचने वाला है। फिर मैं आप वहाँ पर जाके आपको दिखाता हूँ क्या सीन है, कैसे गाड़ियाँ वगैरह वहाँ पर खड़ी है और है, क्या लोकेशन है, सारी चीज़ें बताता हूँ। साथ में अगर आपको भी मिलना है तो उसका भी वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो वीडियो को आप देखते रहना। उनके साथ मिलने का क्या रिएक्शन रहता है वो भी बताता हूँ। वीडियो की परमिशन भी शायद नहीं मिले बनाने की, आई डोंट नो, देखते हैं बंदे कैसे हैं रियल में, क्या चीज़ है, तो वो चीज़ें वहीं पे जाके बताता हूँ। तो आप वीडियो को देखते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, कई चीज़ें जो है आपको आने वाली है। तो अभी जो है 5-10 मिनट के आसपास वहाँ पे पहुँच जाएंगे और उसके बाद में जो है आपको कैरी ऑन करके बताता हूँ। चलिए चलते हैं। और तो भाई लोगों मैं पहुँच गया हूँ आफ्टर 2 आवर्स के बाद में। देख लो वेटिंग वगैरह, यहाँ पर गाड़ियाँ कितनी लगी हुई है। और ये कहानी है, ये उनकी मुकेश भाई की दुकान है। और अभी मुकेश भाई है नहीं यहाँ पे, पता नहीं काम होगा नहीं होगा, देखते हैं। आएंगे 12:30-1 बजे आएंगे। ये उनकी दुकान है, ये देख लो ये दुकान। भैया वो मुकेश भैया लाइव करते हैं, वो कहाँ से करते हैं वीडियो? यहीं पे बैठे रहते हैं क्या? कुर्सी तो ये लग रही है, बट लोकेशन तो अच्छी दिखती है। कभी कभी उधर भी करते हैं। कहाँ पे है दूसरा वर्कशॉप? ग्रेटर नोएडा भी करते हैं वो। सेक्टर 15 है क्या या ग्रेटर नोएडा? अच्छा कितनी दूर है यहाँ से? हाँ वो मुझे पता है, देखी मैंने। चलो मुकेश भाई गाने तो वो भी वर्कशॉप विजिट करके आए, वो भी वर्कशॉप। तो ये है भाई देखो मुकेश भाई का ऑफिस, देख लो आप, इतनी सी दुकान है। और कार टेस्टिंग, कार स्कैनिंग 500 रुपये है। बाकी तो अभी मुकेश भाई आएंगे तब पता चलेगा। इतनी वेटिंग लिस्ट लगी हुई है, ये देख लो आप। लोकेशन तो आप पूछ के ही आना होगा, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। और ये है कहानी, ये भाई बंधु काम करने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है, ये देख लो। तो भैया मुकेश भाई आ गए हैं और वो गाड़ी वाड़ी चेक करें, अभी फ़ोन पर बात लगे हुए हैं। और उसके बाद में देखते हैं, हमारी गाड़ी भी चेक करेंगे। देखो आते ही इन्होंने पहले की जो गाड़ियाँ खुली हुई थी वो उस पर काम किया। 12:30 बजे आए हैं, आज थोड़ा सा बिजी थे, कहीं जाना था इनको, तो इसलिए 12:30 बजे आए हैं। और अभी देखते हैं बाकी क्या बताते हैं अपनी गाड़ी के लिए। और बंदे बड़े मस्त हैं। अच्छा ठीक है, तो यही है। आ जाओ भाई, मुकेश भाई आ गए हैं गाड़ी के पास में, अपनी गाड़ी की करेंगे टेस्ट ड्राइव अभी जो है। चलिए करते हैं, मुकेश भाई आज टेस्ट ड्राइव करेंगे, बताएंगे हमारी गाड़ी की कमियां। बहुत दिनों बाद में मुकेश भाई साहब से मिलना हुआ है। बहुत दिनों बाद की पहली बार हुआ है, मतलब काफी टाइम से ट्राई कर रहे थे। लास्ट टाइम आए थे तब बारिश हो रही थी तो वापस जाना। ये जो आपका चैनल है किस क्या दिखाते हैं इस चैनल पे? इसपे गाड़ियों से रिलेटेड, सिर्फ गाड़ियाँ कौन सी आई, कौन सी गई, कौन सी बेस्ट है, कौन से में दिक्कत है, कौन सा गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, यूजर का रिव्यू। और तो मुकेश भाई को अपना जो ये की चेन है बहुत बढ़िया लगा, देख मुकेश भाई को गिफ्ट देंगे जाते हुए। थैंक यू सर। तो मुकेश भाई साहब सबसे पहले तो इसमें है पिकअप की प्रॉब्लम, ठीक है पिकअप, ठीक है। और एक जो है ये वाइब्रेशन करता है गियर, तीसरे चौथे गियर पे। स्टेयरिंग में भी बहुत वाइब्रेशन है। हाँ स्टेयरिंग में भी वाइब्रेशन है। चौथा पहले से ही चलता था, अभी क्या है इसकी एवरेज बहुत मुझे लग रहा है कम है। जैसे मैं दिल्ली से गुड़गांव ट्रेवल करता हूँ ना तो बहुत तेल पीती है। आपका मेन प्रॉब्लम क्या है? पिकअप है। और दूसरा और एक हार्ड है इसका, क्लच भी। हाँ हार्ड है, यही दिक्कत है। मैंने अभी क्लच चेंज कराया था 85 या 90,000 के ऊपर। और 85 यानी 30,000 में। हाँ वो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ स्पेशल। ये राजस्थान से कराया था, हो सकता है उसमें गड़बड़ हो गई करने में। ये कब से हार्ड ये हार्ड अभी मतलब 10-12 हजार किलोमीटर के करीब करीब हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी हार्ड है, मतलब पेट दर्द होने लग जाता है। अच्छा जी। और एक इसका जो पीछे वाला टायर है ना वो जाम हो गया था अभी 10-15 दिन पहले, तो वो मिस्त्री से खोल कर उसको टेम्परेरी काम कराया क्योंकि मुझे यहाँ पे आना था। हैंड ब्रेक भी बहुत ऊपर आके काम कर रहा है, यहाँ पे आना था। तो मैंने कहा इसके जो सूज लेजर वगैरह है वो बाद में चेंज कराएंगे मुकेश भाई के पास ही। तो आपके पास है ये गाड़ी मुकेश भाई साहब, इसको एकदम तैयार करके देनी है मुझे। देख लो क्या क्या आपको लगता है, पहले मैं फॉल्ट देखूं क्या क्या। हाँ जो भी चीजें आपको लगती है A to Z। एक तो क्लच में पंगा है इसके। हाँ क्लच वायर है, क्लच में नहीं होगा, वायर देख लेना जो भी लगे, क्लच वायर। और एक एवरेज की भी कहानी है। एक इंजन फ्लश वगैरह मेरे हिसाब से 1.15 चल गई है, तो करना चाहिए क्या हमें? हाँ बिल्कुल, इंजन फ्लश तो बहुत टॉप की चीज है, वो तो इंजन फ्लश कर देना एक अपना, तो वो कहानी है। और बाकी आप चला के देखो एक बार। पिकअप में है ना दिक्कत? अभी मैं आपकी तरह चलाऊंगा मैं 1 किलोमीटर तक। हाँ। कुछ नोट हो जाए अलग बात है। हमारा टेस्टिंग पॉइंट आ गया है, वहाँ से मैं टेस्ट करूँगा कई लेवल पे इसको। जैसे आपको टेस्ट करना है, जो करना है आप कीजिए, आपके पास। कितने चैनल है यूट्यूब पे? 4 चैनल। देखो कौन कौन से, एक तो मुकेश चंद्र गोल्ड, एक द मैकेनिकर। हाँ, और एक मुकेश चंद्र गोल्ड शॉर्ट्स और हाँ, एक ब्लॉक एंड शॉर्ट्स। देखो 4 चैनल भाई हैंडल कर रहे हैं। और देखो डाउन टू अर्थ, और सब्सक्राइबर देखोगे ना 8 लाख, 5 लाख, 3 लाख। बढ़िया सर, पता नहीं कैसे इतने सब्सक्राइबर हो गए, मेरे को तो पता ही नहीं है सच में सर। एक्चुअली क्या है, मेरा वीडियो बहुत कम जाता है सर, बहुत कम वीडियो, सबसे कम वीडियो मुझे लग रहा है यूट्यूब पे मैं ही डालता हूँ। हाँ वो वीडियो आते हैं आपके टाइम, आप तो मुझे लगता है काफी टाइम से। हाँ। 2-4 दिन नहीं हमारा महीने में 4 ही वीडियो बस। और लाइव का भी तो आपका आता है ना, लाइव डेली आते हो, वो एक बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट है। 2-3 दिन से बात क्या है ना कि जैसे वीडियो डाली हमने एक वीडियो डाल के एक लाइव करते हैं ताकि उस वीडियो में कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो उससे पूछने के लिए, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि यार मुकेश भाई यार खाली वीडियो ही डाल रहे हैं। तो वो लाइन देखो, हमारे पास काम बहुत, आप तो लाइन देख रहे हो ना। नहीं बहुत, लेकिन इतने काम होने के बाद हमने एक चीज नहीं छोड़ी है, वो ईमानदारी। देखो ईमानदारी से काम करेंगे ना उसी में फायदा है, ईमानदारी वास्तव में। डाउन टू अर्थ बंदे भी इतने, और छोटी सी बिजनेस तो इतने काम, इतना यूट्यूब चलने के बाद में बंदे दुकानें घर बड़ा बड़ा बना लेते हैं, इतना हाव भाव खाने लग जाते हैं। बट मैंने जैसे आपके पास बैठा था सुबह से दुकान पे, तो भाई देखो मुकेश भाई आप अपना काम बता रहे हैं क्या क्या काम होगा इसके अंदर, सारा लिख देना भैया। गेयर वेयर, ब्रेक शू लेदर, साल लेदर, ऑयल आयल, फ्लैशिंग सब लिख देना। कितना प्राइस है वो भी बता देना मुझे साथ में। ये पता नहीं डॉक्टर वाली राइटिंग लिख रहे हैं मुकेश भाई भी पूरी। प्रिस्क्रिप्शन हमें बता तो दो क्या क्या लिख रहे हो, बता दो। वो डॉक्टरों से पूछना पड़ता है ना, मेडिकल वाला ही समझेगा वो तो बस। हाँ वही तो है। आप सर्विस भी कराएंगे क्या? हाँ सर्विस कराएंगे। तो सर्विस में आपका मेन जो अब काम करने वाले ये भाई साहब है। खर्चा ज़्यादा बता दिया ना, खर्चा ज़्यादा बता दिया क्या? अरे सब्जी खर्चा तो हो ही है इसमें। दोस्तों पूरी गाड़ी वाड़ी चेकअप हो गई है, मुकेश भाई ने बहुत अच्छे तरीके से गाड़ी चेक की है। बट कहानी ये आ गई, अब उनके पास एक तो टाइम नहीं है, दूसरी बात ये है कि गाड़ी का जो पूरा तेल वेल है वो ख़त्म होना है। तो और मैंने टंकी करवा रखी है फुल, एक बार आपको दिखा देता हूँ, पूरी टंकी फुल करवा रखी है मैंने। तो वो बोल रहे हैं कि तेल निकलेगा ये ख़राब होएगा, इससे बेटर है कि आप इसको चला लो और दीपावली के बाद में जो है आप आ जाना गाड़ी को लेके। काम जो है वो उन्होंने बता दिया, ये काम होगा, पूरा हेड का काम होगा, थ्रोटल बॉडी क्लीनअप होगा और जो भी काम होने एक्सपोजर सारे काम होने, तो 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। बट उसके बाद में गाड़ी है वो चकाचक हो जाएगी। तो वही चीज़ है, अब जो है इसको दीपावली के बाद में हम देखते हैं, इसको एक बार जो है लेके आएंगे गाड़ी को, पूरा काम करवाएंगे। तो यही था पूरा इस वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और सर्विस करवाएंगे मुकेश भाई से दोबारा आके, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहता है एक्सपीरियंस। बट बाकी वास्तव में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मुकेश भाई से मिल के गाड़ी चेक की उन्होंने, काफ़ी चीज़ें जो है इन्होंने निकाल के बताई बहुत बढ़िया तरीके से। सबसे बड़ी बात है उनकी टेस्टिंग, बहुत बढ़िया तरीके से वो जो है टेस्टिंग करते हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया तरीके से। तो वही थी, तो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको भी किसी को मिलना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ कैसे मिल सकते हो आप उनसे। दूसरी चीज़, आप उनको ट्यूसडे को वो लाइव आते हैं, हर ट्यूसडे को, वो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है उनका, उससे भी आप जो कॉल कर सकते हो 5 से 6। अदरवाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता सकता हूँ कि कैसे जो आप इससे मिल सकते हो। तो यही था वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।